भारत के लिए 15 अगस्त गौरवशाली इतिहास में सबसे बड़े दिनों में से एक है। लंबे समय तक ब्रिटेन के शासन में गुलाम रहे भारत देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। महात्मा गांधी समेत अनेकों स्वाधीनता सेनानियों के अथक प्रयासों के बाद देश ने आजादी की सुबह देखी और पहली बार इसी दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। स्वतंत्रता दिवस की महत्वता को बताने के लिए देश भर में अच्छे अच्छे भाषण दिए जाते हैं। आजादी की घोषणा के बाद देशवासियों को सबसे पहले पंडित नेहरू ने संबोधित किया था और उनके इस ऐतिहासिक भाषण को ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम दिया गया। आजादी के समय भारत का कोई भी राष्ट्रगान नहीं था। 1911 में रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित भारत भाग्य विधाता को जनगण मन नाम दिया गया। जनगण मन नाम के साथ 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को 18 जुलाई 1947 को ही स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने देश को आजाद करने के लिए 15 अगस्त का दिन चुना था। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेडक्लिफ लाइन को 3 अगस्त 1947 को पूरी कर ली गई थी, मगर इसे आधिकारिक रूप से 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया। भारत का राष्ट्र ध्वज यानी हमारी शान, 3 रंगों वाले इस तिरंगे झंडे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने 1921 में तैयार किया था, जिसे 24 तीलियों वाले अशोक चक्र के साथ आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को भारत के झंडे के रूप में स्वीकृत किया गया और 15 अगस्त 1947 को पहली बार फहराया गया। इस छोटे से वीडियो में पूरे भारत के इतिहास को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हमारे भारत देश का गौरव और उसका इतिहास बहुत बड़ा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद या फिर भारत के लिए छोटी सी 2 लाइन जरूर टाइप करना, पढ़ने में आनंद आता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।